जिस वक्त कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष एकजुटता और नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है, इस वक्त बीजेपी ने 2024 की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 2024 की बिसात पर अमित शाह ने राम मंदिर का पहला मोहरा चल दिया है, वह भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर यूपी से गुजर रहे थे और नीतीश कुमार चंपारण से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे। ठीक इसी वक्त अमित शाह के राम मंदिर निर्माण की निश्चित तारीख घोषित करना काफी सियासी मायने रखता है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तीन बड़े मुद्दों में राम मंदिर मुद्दा काफी अहम था। त्रिपुरा में शाह के बयान को राहुल गांधी को जवाब भी माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल अपने भाषण में बीजेपी दल पर आरोप लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब अमित शाह की तारीख घोषित करने को राहुल गांधी को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि दोस्तों, मैं यहां आपको एक बात कहने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, राहुल बाबा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राहुल बाबा हर रोज कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, सब रूम वाले आप भी टिकट कटा लो। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अदालत में राम मंदिर के निर्माण को लटकाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। पीएम ने भूमि पूजन किया और फिर यहां निर्माण शुरू हुआ। शाह के त्रिपुरा में इस बयान को विपक्षी दलों को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 8 सालों में विपक्षी दल बीजेपी पर मंदिर की तारीख नहीं बताने को लेकर तंज कसते थे। विपक्ष राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी पर इसलिए तंज कसता था कि बीजेपी तो मंदिर निर्माण की बात करती है लेकिन कोई तारीख नहीं बताती। लेकिन असल सवाल तो है कि शाह ने अभी इसका जिक्र क्यों किया। दरअसल 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के तीन अहम मुद्दे थे, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करना और समान नागरिक संहिता। राम मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा कर बीजेपी ने दो मुद्दे पूरे करने का संदेश अपने वोटर्स को दे दिया है। दूसरी तरफ से मोदी सरकार ने कश्मीर से भी आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब बीजेपी समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने के संकेत दे चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी ने तीन तलाक को अपराध घोषित करके इस दिशा में कुछ हद तक सफलता हासिल कर ली। राम मंदिर का मुद्दा उठाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए दाव चल दिया है। कर्नाटक में इस साल चुनाव होने हैं और माना जाता है कि यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होता है। विशेषज्ञों का मानना है क्योंकि बीजेपी यहाँ सत्ता में है तो उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए राम मंदिर वाला दांव चला गया है।